मैं सबसे पहले भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं आज इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। जस्टिस एसएन अग्रवाल जी ने दो खंड में आजादी के बारे में, क्रांति के बारे में, विशेष करके अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में एक ऐतिहासिक दस्तावेज, जिसमें जब इस पुस्तक के बारे में आदरणीय सुरेश जैन जी कुछ महीना पहले हमें अवगत कराए, उसमें उन्होंने मेरे को एक विषय समझाया था, विशेष करके लॉ की दुनिया की ज्यादा लोग इसमें आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं। आईन प्रमाण से सिद्ध होती है, तर्क से सिद्ध होती है, एविडेंस एक प्रमुख प्रसंग है कानून की स्थापना करने में। और इस किताब में हमें कहा गया कि विशेष करके पूर्व भारत में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी की केस हो या शहीद भगत सिंह की ऊपर आरोप की सुनवाई हो या उस समय की जो केसेस हुए थे उनकी एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एविडेंस इस पुस्तक में है। और वो काल कैसा है जब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अंग्रेजों से आजादी मिलने का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी समय में ये दो खंड की पुस्तक जस्टिस एस एन अग्रवाल जी द्वारा रचित, जिसके पीछे अगर जस्टिस आदर्श गोयल जी की एक भाई जैसा मदद ना रहता, प्रोत्साहन ना रहता, शायद एक किताब आज इस रूप में ना आ पाता। इसलिए मैं जस्टिस अग्रवाल, जस्टिस गोयल और विशेष करके भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को, इसको पुस्तक कहना भी सीमित हो जाएगा, इस ऐतिहासिक दस्तावेज को दुनिया के सामने 21वीं सदी में रखने के लिए। मित्रों, कोई भी समाज में, कोई भी देश में, विशेष करके बौद्धिक जगत में और स्वाभाविक 20वीं सदी में जब दुनिया अपना प्रगति टेक्नोलॉजी के आधार पे कर रहा है, इसे एक आत्मविश्वास बढ़ा लोगों में, कुछ तबके ने एक मौलिक प्रश्न उठाया, क्या ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई आवश्यक है? क्या टेक्नोलॉजी, साइंस, एविडेंस बेस्ड, साइंटिफिक टेंपर, साइंटिफिक नॉलेज, इनोवेशन, इनोवेशन से एंट्रोप्रीनियरशिप, एंट्रोप्रीनियरशिप से वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन से संपन्नता, ये देश की, दुनिया की राजनीति की मुख्य शर्त बना, अर्थनीति की शर्त बना, उस समय में ये तर्क आना स्वाभाविक है। क्या मानव संसाधन के यानी ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई की कोई प्रसंग है, प्रासंगिकता कोई रिलेवेंस है क्या? मित्रों, कभी कभी हमको कुछ सत्य को सामना करना आवश्यक होती है। इतिहास ऐसे एक विषय है, इतिहास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य संस्कृति का आधारित समूह, कोई भी एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी अपने रूट की जाने बगैर, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, क्यों आया, मेरे विरासत क्या है, ये सारा विषय को बिना जाने भविष्य को प्रगति नहीं कर सकता है। वर्तमान में हम समय बिता सकते हैं, भविष्य को अपने अख्तियार में नहीं ला सकते, इसलिए इतिहास हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और विशेष करके इतिहास हमको प्रेरणा देती है, इतिहास हमको अपने कुछ पुराने मूल्यों को याद करवाती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कई एक सभा में इसको बार बार कहा है, इतिहास भविष्य की दर्पण है,
भविष्य को अपनाने के लिए, भविष्य में सफल होने के लिए हमको इतिहास की अध्ययन की जरूरी है। आज ऐसे ही ये किताब लगभग 100 सालों की 1857 से लेकर 1947 तक की जो कालखंड चला, ऐतिहासिक प्रवास चला, उसके ऊपर एक किताब है। इन दिनों में भारत सरकार की शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी, जब ICHR की भारतीय इतिहास शोध परिषद की 50 साल पूर्ति हुई, उसी अवसर पे ICHR ने एग्जीबिशन लगाया है 200 साल की, लगभग 1957 से पीछे का 200 साल, 1947 के पीछे का 200 साल की एक एग्जीबिशन लगाई, उसको लोकसभा में रखा गया। अभी संस्कृति विभाग भारत सरकार ने उसको देश की 100 प्रमुख स्थानों में उसको लगाने की काम करेगी, डिजिटल फॉर्म पे रखा जाएगा, यूनिवर्सिटीज में उसको रखा जाएगा, स्कूल्स में रखा जाएगा, देश की गौरवमय इतिहास के बारे में नौजवानों को, नई पीढ़ी को तैयार किया जाएगा। मित्रों, कभी कभी मेरे मन में आता है, क्या जब हम इतिहास को समीक्षा करते हैं, याद करते हैं, संकलन करते हैं, किस कालखंड को करना चाहिए भारत में? क्या हमारी इतिहास सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव, हम सिर्फ अंग्रेजों की खिलाफ हमारी जो क्रांति रही, हमारी जो जन आंदोलन रही, उसी कालखंड को हम याद रखें, या उसे थोड़ा पीछे जाएं? मित्रों, भारत एक संपूर्ण वैभवशाली देश था। 917 साल से 1038 साल तक चली, 11वीं सदी में भारत को आक्रांता आए, हमारी व्यवस्था को अपने हाथ में लिए, समाज जैसे भी था। अगर मैं 11वीं सदी से 21वीं सदी तक जर्नी को हिसाब करूं, मित्रों, यही हो जाता है 1000 साल। अंग्रेज आए भारत में पहली बार 1608 में, 1619 में कलकत्ता तक आ गए थे। 18 सेंचुरी में उनकी राज आ गई थी, व्यापारी लोग इस देश को राज करने के काम किए। मैं जब 1000 साल की प्रवास कहता हूं, कि आज हमारी देश में ये 1000 साल कैसे प्रवास किया, इसकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है क्या? उस जानकारी के बगैर हम 21वीं सदी में, 22वीं सदी में दुनिया को भारतीयता समझा पाएंगे? क्या भारतीयता नहीं समझानी चाहिए? ये आज वितर्क की आवश्यकता है। भारत विकास परिषद इस वितर्क को आज छेड़ा है, मैं फिर धन्यवाद देता हूं। क्या हम 1000 साल तक रुकेंगे? मित्रों, हम अगर थोड़ा और हिसाब करते हैं, ईसा पूर्व 500 से भारत की, मेरे सीमित ऐतिहासिक ज्ञान में मैं 2-3 बात आपके सामने उल्लेख करूंगा। बुद्ध की जन्म ईसा पूर्व 500 से हुई है। बुद्ध, जैन, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, चाणक्य की समाज नीति, अर्थ नीति, ये सब ईसा पूर्व 500 की कालखंड में आती है। अगर उसी को अगर मैं एक बेंचमार्क मानूं, तो आज तक ईस्वी 2022 तक 2500 साल में दुनिया में शायद कोई सभ्यता नहीं होगा। इसीलिए कभी कभी हम काशी में अगर पहुंचते हैं, काशी के लोग कहते हैं, हम तो एक लिविंग सिटी है, जीता जागता सभ्यता की प्रतिछवि काशी में मिलती है। हजारों साल से वो सभ्यता वही खड़ी है, उसमें अनुभव है, ज्ञान है, इतिहास भाव है, और भविष्य के लिए कई प्रकार की प्रेरणा हमको बताती है। इसीलिए कभी एक मौलिक विषय, आक्रांता ही आए थे, लूटने के लिए आए थे, हमारे नालंदा, तक्षशिला, ये कहा जाता है नालंदा को जब आग लगाया गया, तब 2-2.5 साल तक धुआं ऊपर आता था। क्या हम ये भूले, काशी के मंदिर को
तोड़ने के लिए कलकत्ता में बैठकर किसी ने फरमान जारी किया, क्या इतिहास में नहीं है? आज शायद उसको मैं कहूं, और मैं संयोग से आज देश की शिक्षा मंत्री भी हूं, मैं उसको कहूं तो शायद कुछ मित्रों को अच्छा नहीं लगे, लेकिन इतिहास है। क्या इस देश की नागरिक, इस देश की नौजवान, विशेष करके नई पीढ़ी, मैं आज सुबह एक समीक्षा ले रहा था, किसी विद्वान ने हमें कहा इजराइल क्यों आज दुनिया के एक ताकतवर देश बना हुआ है, कोई जनसंख्या के आधार पे क्या है? जनसंख्या तो इजरायली लोगों को बहुत सीमित है, ज्यूस की बहुत सीमित जनसंख्या, क्यों? उन्होंने कहा जो देश एक समय आया दुनिया की नक्शा से गायब हो गया, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी एक निर्णय के हम अपने देश को बचा के रखेंगे, हम अपने सभ्यता को बचा के रखेंगे। इसीलिए उन्होंने जब फिर इकट्ठा हुए देश की आकार लिया, उन्होंने जो प्रारंभिक दिनों में एक दो काम के उसमें से एक था, उनकी जो प्राचीन भाषा था हिब्रू, जिसमें उन्होंने आज जिन्होंने मेरे को कोई सिविल इंजीनियर की विद्वान मेरे को मिले, उन्होंने कहा इजरायलियों ने जो ड्रिप इरिगेशन की बारे में आज कल्पना दुनिया को ज्ञान दे रहे, उसकी मूल लेख हिब्रू भाषा में लिखित था, और हिब्रू भाषा को उन्होंने पहले पढ़ाया, परंपरा की ज्ञान को इकट्ठा किया और उसको आधुनिक समय में प्रासंगिक करके इम्प्लीमेंट किया। इसीलिए आज इजराइल दुनिया की एक महाशक्ति बना है। अब बताइए, जिस देश में वैज्ञानिक प्रमाणित आधारित, लोक कथा आधारित इतिहास की दस्तावेजों में सहज 250-350-3000 सालों की रचना मिलती है, साहित्य मिलती है, क्या हमें उसको लेके आगे नहीं बढ़नी चाहिए? उसको आप फाउंडेशन स्टोन नहीं माननी चाहिए? यह आज वितर्क की विषय है मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं आज इतिहास को हम ऐसे देखें जो हमको भविष्य के मार्ग दिखाएं। और आज अमृत काल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा, इस किताब में मैं कई चीज पढ़ रहा था, शायद आज की पीढ़ी को कई सारा विषय जानकारी भी नहीं होगा, ये किताब उसकी सहायक होगी। अनसंग हीरो, अज्ञात गुमनाम नायक जो हमारी देश में रहे, और आजादी के उपरांत एक रचना बनाई गई, जैसे इतिहास को कुछ एक घंटों में सीमित करने का, कुछ एक सालों में सीमित करने का कोशिश किया गया, दो चार खानदानों में सीमित करने का कोशिश किया गया, लाखों लोग सदियों से, पीढ़ी दर पीढ़ी, हजारों हजार साल से इस देश की सभ्यता को बचा कर रखे, उसको हमारी इतिहास का हिस्सा नहीं बनाया गया। आज समय आया है उसको, उस गुमनाम नायकों को भारत में ऐसे सहज गिने, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, बीरबल, तोड़रमल की साहित्य को अगर उनके बारे में हम पढ़ते हैं तब क्या मिलता है? आज भी आधुनिक भारत की जो टैक्स मैकेनिज्म है, इन्होंने ब्रिटिशों ने खड़ा किया। ब्रिटिशों ने किससे लिया? उन्होंने अकबर की राज से लिया। अकबर की राज में किसने बनाया? तोड़रमल ने बनाया। क्या यह हमारे लिए गर्व की विषय नहीं होनी चाहिए? हमारा लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, हमारी लैंड एक्सचेंज की मॉडल क्या था, हमारी रेवेन्यू कलेक्शन की क्या मॉडल था? मित्रों, ये आज आधुनिक समय में पढ़ने की आवश्यकता है। संयोग है हमें आज शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला है, और भारत सरकार कम से कम ये 2500 साल की जो प्रवाह रही है, हमें किसी को छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक विवाद कुछ मित्रों के मन में आती है, कुछ मित्र एक अपने से एक तत्व लाते हैं कि आप इतिहास को बदलना चाहते हो, हम नहीं बदलना चाहते हैं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आज इस भारत विकास परिषद के मंच में कहना चाहता हूं, हम इतिहास की कोई पुनर्लिखन नहीं करेंगे, हम इतिहास को नहीं बदलेंगे, ऐतिहासिक सत्य को जैसे एसएन अग्रवाल जी ने आज सामने लाया है, ऐसे सारे ऐतिहासिक सत्य को हमने सामने लाएंगे, एक लंबी रेखा हम खींचेंगे, हम एक लंबी रेखा खींचेंगे। इस देश की, ये देश की हक है
इस देश के कारण दुनिया के हक है। ये प्राचीन सभ्यता क्यों ऐसे चलते आ रही है, इसीलिए इस देश के इतिहास को 300 ऐसे व्यक्तित्व हैं, 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन साम्राज्यों ने, मैं आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस देश की ऐतिहासिक तथ्यों में कितने विद्यार्थियों को मालूम है भारत की पूर्वोत्तर में सूखा पाकर के ऐसे सम्राट थे जिन्होंने भारत की एकता के लिए, भारतीयता के लिए एक साम्राज्य प्रतिष्ठा किया, एक वीर व्यवस्था प्रतिष्ठा किया, क्या उसके बारे में पंजाब के नौजवानों को जानना नहीं चाहिए? क्या लचित बरफुकन की त्याग को देश को नहीं जानना चाहिए? क्या उड़ीसा के एक सामान्य कोई गिरिजन आदिवासी दलित परिवार से आया हुआ लक्ष्मण नायक की कहानी कोई कम था? क्या 12 साल की कोई बाजी राउत अगर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ साहस दिखाते हुए अपने सीने पे गोली लिया, क्या इस देश उसको नमन नहीं करनी चाहिए? मित्रों, यही समय आया है, आज आइए हमें एक लंबी लकीर खींचने की काम की आवश्यकता है। मैं फिर जस्टिस अग्रवाल और भारत विकास परिषद को धन्यवाद देता हूं, ऐसे एक महान काम को आपने अपने हिस्से की, ये कोई संगठन की काम नहीं हो सकती है, ये कोई व्यक्ति की काम अकेले की नहीं हो सकती है, या ये कोई सरकार की काम नहीं है, पूरा संपूर्ण समाज इस काम पे जुटे, सरकार भी जुटे, गैर सरकारी संस्था भी जुटे, समाज के सारे घटक अपने आप में, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, इसकी जो गौरवमय ऐतिहासिक बैकग्राउंड हमारी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग जिए, हम लोग उसको आगे बढ़ाएं, इसी शब्द के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।